आप देख रहे हैं 575 आंसर्स का एक नया नवेला एपिसोड, जहां अभी कुछ ही देर पहले वेस्ट इंडीज ने इस 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली, जहां उन्होंने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में जो कि साउथहैम्पटन के एजेस बोर्ड में खेला जा रहा था वहां पे उनको 5वें दिन 4 विकेट से मात दी। हमारे साथ ऑफ कोर्स एज ऑलवेज हमारा त्रिदेव आज मौजूद है, निखिल नाज, जेमी और तो मेरे साथ, मेरा नाम है अर्जुन पंडित। जेमी यार, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, हु प्लेड वेल ऑन डे 5 एंड थ्रू आउट दिस एंटायर टेस्ट, बट जस्ट फ्रॉम अ वर्ल्ड क्रिकेट पर्सपेक्टिव सर, एक तो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में जाना और फिर पहले टेस्ट में इंग्लैंड को हराना, ये ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बट इट्स आल्सो द सेकंड सीरीज इन अ रो जहां पे वेस्ट इंडीज ने 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 से ऊपर है। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम इट वाज 2019 इन द वेस्ट इंडीज, बट लुक दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो ऑल दैट्स हैपनिंग। एक तो कुछ 3.5 महीने बाद ये पहली टेस्ट मैच है, जो भी इस दुनिया के क्रिकेट प्रेमी है उनकी इनकी नजरें इस मैच पे होगी, ऑफ कोर्स फॉर ऑल द स्टफ ऑफ द फील्ड, द एम्प्टी स्टेडियम्स एंड द COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस। बट देखिए वेस्ट इंडीज, कौन कह सकता था कि वेस्ट इंडीज आके इतनी, मैं आई एम गोना यूज द वर्ड आसानी, बिकॉज इन द एंड ऑन पेपर चार दिन के अंदर ये टीम जीत चुकी है। जस्ट रियली अ फैंटास्टिक विन एंड रियली सेट्स अप द सीरीज हेडिंग टू मैनचेस्टर नाउ। Yeah, you know, Nikhil, I think he's calling it an easy win. But if you just take a look at the entire match from a test perspective, sab kuch tha sir. Ek aise pehle 2 din the jahan aapko lag raha tha West Indies top pe, fir aapne dekhi England ki thodi bahut fight back, fir West Indies ne fight back kari, fir New England ne wo ek session jo ki day 5 ka first session tha wahan pe fight back kari, lag raha tha ki England wapas aayega, aur fir of course Jermaine Blackwood sahab ne, jaise Roston Chase sahab ki baat humne pehle kari thi, plot khareed liya. हालांकि प्लॉट में सीमेंट जो पहले जो 50 रन थे सीमेंट थोड़ी शेकी थी, लेकिन उसके बाद सीमेंट अंबुजा लगाया गया और फिर प्लॉट खराया गया ताकि वेस्ट इंडीज जीते। बिल्कुल अर्जुन, और इस मैच में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, आप हमारी चर्चा ही देख लें ना, अपने पुराने शोज उठा लें देख लें, एक दिन बोल रहे हैं वेस्ट इंडीज जीतेगी, एक दिन बोल रहे हैं इंग्लैंड जीतेगी, एक दिन लग रहा है आसानी से वो जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये क्या दर्शाता है आपको कि मतलब यू नो इस मैच में सब कुछ था, कभी ऐसा नहीं लगा कि एक टीम बहुत आगे चली गई। हाँ, वेस्ट इंडीज ने जब लीड ले ली पहली पारी में तब भी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर जब उनका कोलैप्स होने लगा आपको लगा इस तरफ चला गया, वो सब छोड़े जो 4th दिन जहाँ रिजल्ट हुआ है उसकी शुरुआत में भी आप, मैं अगर आपसे 3 या 4 घंटे पहले मैं इस बारे में चर्चा करता तो आप कहते हैं इंग्लैंड जीत रही है, 27 for 3 इफेक्टिवली 27 for 4 हो गया था क्योंकि रिटायर्ड आउट भी हो गए थे कैंपबेल, उस वक्त लग नहीं रहा था वो वापस आएंगे, अभी आए फिर आल अंत में लेकिन दौड़ नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त इफेक्टिवली 27 for 4 था वहां। मैं आपसे पूछता तो आप कहते नहीं अब तो कोई चांस ही नहीं, वेस्ट इंडीज यहाँ जीत देते, पर उन्होंने वो करके दिखाया। तो ट्विस्ट एंड टर्न इस मैच में, शायद जो अगर आप कभी ओल्ड दिल्ली गए हो ना, इतनी गलियां हैं वहां, इतने ट्विस्ट एंड टर्न है, उससे भी थोड़े ज्यादा इस मैच में हमको देखने को मिले, लेकिन अच्छा है। देखिए ये टेस्ट जो मैच था, आपने शुरुआत में बात की कि वेस्ट इंडीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जीतना ये वो, मैं तो कहता हूँ ये अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट मैच था है ना, इतने बड़े ब्रेक के बाद कितनी दुनिया देख रही थी इसको, इंडिया में इतना इंटरेस्ट है, हम शो कर रहे नहीं तो हम कब करते वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को, और अनडिवाइडेड अटेंशन थी सबकी क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है, ज्यादातर लोग घर पे बैठे हैं, टेस्ट मैच, अनडिवाइडेड अटेंशन थी, तो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए बहुत जरूरी था एक कंपेरेटिव मैच हो। वही अगर इंग्लैंड पिटाई कर देती वेस्ट इंडीज की जैसा कई लोग मान रहे थे, फिर वही हो जाता, अब लोग कहते यार इससे अच्छा तो मैं OTT प्लेटफॉर्म में पिक्चर देख लूं, क्रिकेट नहीं देखूंगा, लेकिन अब क्या है सब सीरीज देखेंगे। तो आई थिंक क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था और बहुत एक्साइटिंग था, मजा भी आया, हम लगातार इस पे बात करते रहे क्योंकि जैसे आपने कहा एब्स एंड फ्लोस बहुत थे। एब्सोल्युटली, इफ वी गो टू टॉक अबाउट परफॉर्मर्स ऑन डे 5 दैट फाइनल डे, देन यू हैव टू स्टार्ट विद जर्मेन ब्लैकवुड। जेमी, बिकॉज यू नो व्हाट, पहले जो 50 रन थे कभी कैच ड्रॉप हुए जनाब के, कभी एजेस लग रहे हैं, कभी रनआउट मिस हो रहे हैं, मतलब ऐसा था इंग्लैंड ने भी उनको काफी मौके दिए कि जनाब जाके जाइए और वेस्ट इंडीज को जिताइए, लेकिन उसके बाद वंस ही गॉट ऑल ऑफ दैट, और जब आपको अक्सर हम स्पोर्ट में देखते हैं आपको कोई इतने सारे मौके देता है, देन यू प्रीटी मच मेक इट काउंट। हाउएवर दैट 95 पे जो वो आउट हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी जर्मेन ब्लैकवुड, दैट यू आर 5 रन्स अवे फ्रॉम अ वेरी हिस्टोरिक सेंचुरी, हिज ओनली सेंचुरी प्रायर टू दिस वाज वर्सेस इंग्लैंड ओनली, सो दिस कुड हैव बीन अ सेकंड वर्सेस इंग्लैंड, but he of course played that shot, good shot, but got out pretty much the same way like the first innings. देखिए अगर आपने जर्मेन ब्लैकवुड की टेस्ट करियर फॉलो किया है तो ये इनका स्टाइल है और यही स्टाइल ने उन्हें एक
काफी बेहतरीन सेंचुरी हासिल किया था अगेंस्ट इंग्लैंड लाइक यू मेंशन, पर वही स्टाइल जब सस्टेन नहीं कर पाए तो उनको दो साल तक ड्रॉप किया गया था। आखिरी बार जब जर्मेन ब्लैकवुड कभी भी वेस्ट इंडीज फर्स्ट 11 में आए थे आपको अक्टूबर 2017 तक जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 years। बीच में अगस्त 2019 में वो खेले टेस्ट मैच लेकिन ही वाज नॉट इन द 11, ही प्लेड एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिया इन द वेस्ट इंडीज लास्ट ईयर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लुक्स हाउ फार हैज जर्मेन ब्लैकवुड फॉलन बैक। ठीक है वो गए वापस डोमेस्टिक क्रिकेट, उन्होंने रन मारा, बट ही नू के इनके शायद पहला टेस्ट मैच खेलने के चांस थोड़े कम थे। That's why when he got the chance, he said, देखो मैं ऐसे ही खेलता हूँ। He gave a nice interview to one of the England agencies. मैं ऐसे ही खेल दूंगा, मैं West Indian का हूँ, मैं ऐसे खेलूंगा, बट मेरी कोशिश ये रहेगी to bat for longer times. So on both accounts, he ticked both boxes. He played the way he did, got out to mid off to the same fielder both times. First inning में उन्होंने शायद 12-13 रन मारते, but second time 95 मारे, लेकिन ये 95 को 110 नॉट आउट से बिल्कुल कम नहीं है। स्पेशली माइकल होल्डिंग, जब ब्लैकवुड आउट हुए थे पहले इनिंग्स में तो माइकल होल्डिंग जो कि अपने मन की बात बोल देते, he did not mince words, वही माइकल होल्डिंग was all praise for him, and that's how it is. जर्मेन ब्लैकवुड ने वही शॉट्स खेले, आप देखा मार्क वुड और जॉफर आर्चर ने दो तीन बार उनको मतलब चित कर देते, the guy was lying on his rear end, उसके बावजूद भी कट्स पुल्स ड्राइव्स लॉफ्टेड शॉट्स सब थे, फुल क्रेडिट टू हिम। सौ नहीं हुआ कोई बात नहीं, but the man accomplished what he set off to do in a short term, that is bat out longer periods of time. Nikhil, just to tell you the importance of his innings, I've got the scorecard open. Brathwaite out for 4. Campbell, of course, not out but retired hurt, so he wasn't there for large parts of the innings, only contributed 8 runs. Hope gone for 9. Brooks gone for 0. And then after that is when the West Indian batsmen have brought this match together. So the importance of that 95 usne banaya all the more. बिल्कुल, और मुझे उनका, आपने जैसे 100 के बारे में बात की इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे उनकी वो दो पारियां याद आती हैं इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वो हुआ था और हम इंडिया के मैचेस देखते हैं जब इंडिया वहां पर गई थी वेस्ट इंडीज ने, एक मैच में उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक शायद बनाया था, तब थोड़ी उनकी यहाँ पर चर्चा हुई थी और उन पर ध्यान गया था। लेकिन उसके बाद जैसे जेमी भी कह रहे थे कि उनको ड्रॉप किया गया क्योंकि उनका सिर्फ उनका ही नहीं कहना था, क्योंकि माइकल होल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और कई वेस्ट इंडीज के अखबार लोग जो वेस्ट इंडीज कैंप था वो भी जस्टिफाई करता था उनके परफॉर्मेंस को, ये कहते हुए कि ये तो ऐसे ही खेलते हैं, ये इनका स्टाइल है और ये ऐसे ही खेलते हैं, तो आउट हो गए तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही आते हैं। इस चीज को लेकर काफी लोग खफा थे कि आप टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही खेलते हैं तो रन नहीं बनाएंगे, इसीलिए शायद वो ड्रॉप भी हुए। अब मैंने जो इनके बारे में थोड़ा जब मैं पढ़ रहा था तो ये जानने में आया कि इन्होंने जब ये ड्रॉप थे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत काम किया, हालांकि ये स्ट्रोक मेकर हैं और आज जैसे जेमी बता भी रहे थे इन्होंने कई स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन एक तरह से एक थोड़ी पेशेंस इनमें नजर आए कि मैं रुकूंगा। वो आप जैसे अगर स्कोर कार्ड भी देखो तो वो चीज को दर्शाता है कि इतनी गेंदे वो खड़े रहे ग्राउंड पे, अपने शॉट्स भी खेले, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि मेरा ये अब मैं वो एटीट्यूड नहीं चल सकता कि मैं ऐसे ही खेलता हूँ भाई रन बन गए ठीक है नहीं बने तो आई विल बी लाइक दैट, वो नहीं देखने को मिला। तो उन्होंने खड़े होने की ये कोशिश भी की, और ये सिर्फ कोशिश इस मैच की नहीं थी, जितना मैं थोड़े आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ उससे ये जानने को मिला कि ये लगातार इस चीज पे काम कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में कि नहीं कैसे मेरे को अपनी पारी को लंबी करना है, कब तक मैं खड़ा रहूंगा और जाके रन बनाऊंगा, और शायद उसका फायदा उनको यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी बात, मतलब क्योंकि हम ब्लैकवुड के बारे में बात करें, आप देखें ये चीज हमने थोड़ी चर्चा भी की थी शायद तीसरे दिन के बाद कि सबसे बड़ा फर्क दोनों टीमों में नजर आ रहा है लोअर ऑर्डर जो है उनका, ये देखें यहाँ पर एकदम फर्क है। जितने रन आपने हमने ऑलमोस्ट हमने कहा 27 for 4 थे, जो नीचे आके उनके बल्लेबाज चाहे वो ब्लैकवुड हो, आपको रॉस्टन चेज भी रन थोड़े से दे देते हैं, बाद में आके होल्डर भी वहां पर खड़े हो गए, डॉर्विच ने आके रन बनाए, ये चीज इंग्लैंड नहीं कर रही। और शायद अब यहां पर सवाल या निशान खड़ा हुआ, एक तो उन्होंने गेंदबाज लिए जो रन नहीं बनाए, ठीक है जोफ्रा आर्चर ने आज आपको थोड़े बहुत रन दे दी, लेकिन उनके और कोई खड़ा नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आई थिंक जॉस बटलर पे खड़ा होगा, लगता नहीं कि इंग्लैंड उनको ड्रॉप करेगा, लेकिन उनकी मैं देख रहा था एवरेज पिछले एक साल में 21 की एवरेज है जॉस बटलर की, 21 की एवरेज इज नॉट गुड इनफ फॉर हिम टू होल्ड द प्लेस, स्पेशली जब दो बड़े विकेट कीपर बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, फोक्स हैं आपके पास और आपके पास बेस्टो है जो बाहर बैठे हुए हैं, तो आई डोंट नो कि कब तक उनको वो लॉन्ग रोप कब तक मिलेगी। You suppose Jamie Joss Butler का अक्सर अगर T20 मिलेगा, I know the formats are very different right now,
But Butler, the more you move him up the order, the more freedom with which he plays and the more successful he's been. You suppose the way forward for Butler at test cricket also is ki usko thoda upar bhejo, janab. Itna niche mat bhejo. Probably that position does not suit him as far as his talents and capabilities are concerned. नहीं, आई डोंट नो बटर, क्योंकि आप देखिए जॉस बटलर क्या है, इतने बेहतरीन प्लेयर हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, टी ट्वेंटी वन डे, आई थिंक ही हैज प्रोबब्ली ऑल ऑफ द फास्टेस्ट वन डे हंड्रेड फॉर इंग्लैंड इन और फॉर जॉस बटलर. वही प्लेयर जो है टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो अपने कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे. I'm saying example being रोहित शर्मा, जेमी, you see what they did with Rohit, right? He's gone right, up right, right. But, red ball cricket and it's working नहीं, for पर वो है कि जॉस बटलर इज योर फर्स्ट चॉइस कीपर. कोई भी कीपर जो है, barring some really rare people, I think Sangakkara for a very brief while, बहुत कम कीपर जो है वो टॉप फाइव में बैटिंग करते हैं. Especially with England being so inconsistent, he's had to keep wickets for a lot of sessions. तो आई डोंट थिंक उनको ऊपर भेजा जाएगा. बट जैसे कि निखिल ने सही कहा, उनका एवरेज जो है वो 21 का था. कल सोशल मीडिया में आई वाज सेइंग कि जॉनी बेस्टो शुड हैव प्लेड, देन समवन सेड, बॉस, हैव यू सीन हिज स्टैट्स, ही एवरेजेस अ फुल 3.5 डिजिट्स लेस देन जॉस बटलर ओवर द लास्ट 2 years. तो अगर तो द गाय हु यू थिंक इज बेस्ट सूटेड, ही इज नॉट डूइंग मच बेटर. तो वही है, दीज आर द स्मॉल पीसेज जहां पे इंग्लैंड एक्सपोज कर रही है. अगर मैं, अगर आप मुझे एक मिनट देंगे, I just want to rewind just to build on something that Nikhil said, you know, before Blackwood gets pushed away. आजकल आप देखें तो any total 180 के ऊपर आजकल chase करना fourth is बहुत 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 मुश्किल है. This is why full credit to someone like him, like you mentioned, 2, 3, 8, 9, 0 were the scores all around him. Blackwood really batted time, and it is a rare thing to see a target like that. अगर हम देखें 2018 में, 2 साल पहले, India at this very same ground, Southampton, इनका लक्ष्य था 245, 45 runs more, but situation more or less वो था. तीन विकेट गए थे, फिर दो middle order batsmen ने 50 मारी, फिर मोइन अली साहब ने आके अपने अपने off spinners से Indian team की सुई निकाल दी. Same situation almost, Josh, Jermaine Blackwood took his team to the doorstep of victory, which is why I think before we move on, we really have to just stress on how good that innings was by Blackwood. एक चीज अर्जुन, इससे पहले आप आगे जाए ना, दो सवाल है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनको आप पहले ले ले. वो आ गया सर, एक मिनट सर, सवाल आया है फेसबुक पे. लवली यार, ये ढिंढोरे पीटो, तालियां बनाओ. मैं कहा है मेरा प्लेट में, ये टिंग 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 करता. वी हैव टू आंसर बोथ. हां जी, हां जी, हां जी सर, बताओ सर. इसका जवाब आप ही दे दें अर्जुन, दे दें, ठीक है. दो सवाल है और दोनों एक ही शख्स ने भेजे, अब्दुल आरिफ है जिनके क्वेश्चन है. थैंक्स अब्दुल. एक है कि is England gone wrong with their team selection? Did England go wrong with their team selection? आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है. I'll start first. I think Stuart Broad की तो मतलब भर भर के बात हो गई है. Not only on camera, लेकिन off camera भी काफी बात हुई है Stuart Broad की. लेकिन उसके अलावा देखिए, Besto की यहाँ पे बात हो रही है. Joe Root of course is a, it was a force change, so he of course will come back. So my guess is, guys, Jamie, that come that second test, at least 3 to 4 changes you'd expect in that England 11. अगर हम सबसे obvious change के बारे में बात करें तो yes, Joe Root should walk right in. Yeah. So probably if अगर Joe Root आता है, that means Joe Denley, जैसे कि हमने 2 दिन पहले बात किया था, वो 29-32 मार के इनकी करियर आगे नहीं जाएगी. अगर हम बात करें Stuart Broad से, because it's been a hot topic, the man who was picked ahead of him is Mark Wood, not Archer. Archer was already there. Mark Wood. उस बंदे ने कुछ पर 33 ओवर डाले, शायद 2 विकेट. दैट इज नॉट द रिटर्न्स यू वांट. आई स्टुअर्ट ब्रॉड मे हैव आल्सो टेकन 2 विकेट्स, बट समवन हु वाज पिक्ड फॉर दैट बाउंस देम आउट, 2 विकेट इज नॉट गुड इनफ. आई थिंक देयर विल बी क्वेश्चन मार्क्स ओवर मार्क वुड, क्योंकि जॉफर आर्चर ने आखिर डे 5 पे दिखा दिया कि जॉफर आर्चर क्या कर सकता है. या द रोस्टन चेज डिलीवरी, बिल्कुल. और इवन द वन टू डाउरिच, विद डाउरिच वेरी स्मार्टली रिव्यूड. और ऐसी गेंदें थ्रू आउट, देखो जॉफर आर्चर जो है वो कभी 5 ओवर नहीं डालेंगे, वो 4 ओवर के बर्स्ट में आएंगे. मार्क वुड कैन बॉल यू 6 रन, बट फ्रैंकली आई थिंक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑन मार्क वुड, क्योंकि एंड में विद ऑफ कोर्स द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, प्लेइंग दोस 2 bounce you आउट काइंड ऑफ बॉलर्स एंडेड अप हर्टिंग इंग्लैंड. आई थिंक समवन लाइक ब्रॉड, एज निखिल पॉइंटेड आउट ऑन डे 1, वुड हैव बीन फार मोर बेटर फॉर इंग्लैंड. Nikhil, given that the conditions are going to change so much, what changes would you bring about in this English squad? तो एक चीज, क्योंकि उनके दो सवाल थे अब्दुल आरिफ का, उनका दूसरा सवाल यही था कि जो रूट खेलेंगे, वो जेमी ने आंसर कर दिया, तो आई अग्री, आई डोंट थिंक वी हैव टू टच दैट. मुझे लगता है वही एक बड़ा चेंज होगा. जैसे मैंने कहा, जॉस बटलर पे सवाल उठेंगे, आइडियली उनको चेंज करना चाहिए,
लेकिन मुझे नहीं लगता वो चेंज होगा, दे विल गो विद हिम। सिर्फ गेंदबाजी का एक चेंज तो मुझे नजर आता है, और इसके पीछे ये भी कारण नहीं कि हाइंडसाइड आप देख रहे हो कि गलती हो गई तो आप चेंज करोगे, वो नहीं है। ये चीज इंग्लैंड पहले ही बता चुका है कि उनको भाई 7 टेस्ट मैच खेलने हैं अभी समर में लगातार, 7 क्या कहते हैं सप्ताह में 7 टेस्ट मैच, तो ये बहुत सिक्स एंड सेवन वीक्स। हाँ नहीं, आई थिंक आयरलैंड का भी एक टेस्ट मैच है, 3 पाकिस्तान के साथ भी है, तो बड़ा इनका तो बड़ा टफ शेड्यूल है, तो 7 टेस्ट मैच लगातार अगर खेलने हैं तो हो सकता है कि वो, मतलब हो नहीं सकता, बोला ही है कि चेंज तो होंगे ही गेंदबाज, तो ये भी नहीं कि अरे हम अगर शायद इंग्लैंड जीत भी जाता फिर भी गेंदबाजी में फास्ट बॉलर में वो रोटेट करते, तो ऑब्वियसली चॉइस है स्टुअर्ट ब्रॉड, यहाँ पर मुझे लगता है अब वो खेलेंगे ही, और उसका क्या असर हुआ है वो नहीं खेले वो देखें, जेम्स एंडरसन दूसरी पारी में नहीं कामयाब रहे, अगर आप इन दोनों को देखें ना फास्ट बॉलर्स हंट इन पैर वाला, अगर आप देखें ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक पारी में अगर एंडरसन ने विकेट लिया ना तो अगली पारी में जेम्स स्टुअर्ट ब्रॉड विकेट लेते हैं, अगर वो चीज होती अगेन हाइंडसाइड, अगर वो चीज होती एक साथ खेल रहे होते तो मुमकिन था कि अगर एंडरसन पहली पारी में विकेट ले गए दूसरी पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड होते तो विकेट ले जाते, लेकिन क्योंकि उस सिलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं और मुझे लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इस चीज के लेकर पहले भी बात की थी कि स्टुअर्ट ब्रॉड का ना खेलना और उनकी स्टेटमेंट कुछ और दर्शाता है कि क्या हो रहा है, अब उस चीज के बारे में और जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो ये जानेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अब जेम्स एंडरसन ने भी उसके बारे में बात कर ली आके, स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो कहा ही डिसअपॉइंटेड, जेम्स एंडरसन आके भी ये कहते हैं दैट इज अ क्लियर सिग्नल, मतलब आपको मतलब जीनियस नहीं होने की, आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी भी अगर आपको समझो तो पता चलेगा कि इवन जेम्स एंडरसन इज नॉट हैप्पी कि उनके बॉलिंग पार्टनर नहीं खेले, यू नो इस चीज में, तो दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स, मतलब कोई भी अगर टीम हो अगर कोई प्लेयर्स ओपनली क्रिटिसाइज करें किसी सिलेक्शन को, क्लियरली थिंग्स आर नॉट राइट, एंड ये सिर्फ क्रिकेट से सेंट्रिक नहीं है, इट्स अक्रॉस स्पोर्ट, अगर कभी भी कोई आके ऐसे बोले तो नहीं है, तो क्योंकि आई गो बैक टू द सिलेक्शन, आई थिंक द बिगेस्ट प्लस फॉर इंग्लैंड विल बी नॉट जो रूट द बैट्समैन बट जो रूट द कैप्टन, बिकॉज क्या अगर थोड़ी बहुत भी अगर थोड़ी यू नो अनबन है, मान भी लें अगर है या नहीं है जो भी है, अगर थोड़ी बहुत भी अनबन है तो जब आपके पुराने कैप्टन आ जाते हैं, आपके स्टेबल कैप्टन आ जाते हैं, तो दैट जस्ट क्लीन्स थिंग्स अप, और अगर कुछ भी परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी, तो डबल बूस्ट मुझे लगता है इंग्लैंड को मिलेगा जो रूट के आने से। दो बंदे जो अभी उन्होंने शुरू किया है और 50 विकेट ले लिया, सर 400-400 विकेट वाले लोग हैं, और जब 400-400 विकेट वाले लोग ऐसे ओपनली बोल रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ फील्ड डे फॉर द मीडिया, दैट्स फॉर श्योर। नहीं आप कह रहे हो, आई मीन हैंडरसन हैज वेल पास्ट 500 एंड स्टुअर्ट ब्रॉड हैज 485, देयर इज नो मोर सक्सेसफुल फास्ट बॉलिंग पेयर जोड़ी लाइक देन दीस टू, सो ऑब्वियसली समथिंग इज नॉट रॉन्ग, बट अर्जुन मैं कह रहा था कि देखो अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं टीम सिलेक्शन की, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अब लगातार 3 मैच जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड में है, कब ऐसा हुआ है कि लगातार 3 टेस्ट मैच एक वेन्यू पे हो, 2 इंग्लैंड वेस्ट इंडीज एंड द फर्स्ट टेस्ट अब इंग्लैंड पाकिस्तान इज आल्सो देयर, तो सिलेक्शन इज गोइंग टू बिकम इवन मोर क्रूशियल, हमने चर्चा किया था डे 1 पे अबाउट रोटेशन एंड ऑल होगा, बट कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ विकेट्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन दैट सेम ट्रैक, डू यू गो बैक टू स्टुअर्ट ब्रॉड एंड डू यू ड्रॉप अ फास्ट बॉलर, डू यू लुक एट अ स्पिनर, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी द इंग्लैंड कैप्टन एनी टाइम सून लुकिंग एट द नेक्स्ट 3 वीक्स इन मैनचेस्टर। They're clearly welcoming him with open arms, with such a simple thing in front of him. But since you've spoken about the captains, tale of the 2 captains. And first one, I think we need to speak about Jason Holder. Guys, what have you made? पहले दर्शकों को आप तवज्जो दें। क्या है सर? क्या सवाल आया है? बिली विदरिंग आप सवाल पूछ रहे हैं। में से कोई भी जवाब दे दे। उनका कहना है कि मोइन अली 5th day Southampton instead of best. You know, handy batsman too. ये क्यों नहीं सोचा? ठीक है, ये भी थोड़ा hindsight में है, as you know, selection वही है, fair weather है ना, fans होते हैं भाई, जो दिख गया गड़बड़, तो कोई भी answer कर ले इसको आप। I mean, look, as Moin Ali की बात करें तो वो अगर इस अभी squad में नहीं है, it's because वो test cricket में जो उनका performance है वो कहीं ना कहीं trail off हो गए, तो I don't see that as a surprise कि वो यहाँ पे नहीं है। सरप्राइजिंग शायद ये था कि जैक लीच जो है, जैक लीच ने हैशेस में जो किया था वो शायद लोग पूछेंगे वो क्यों नहीं है, बट बात ये है कि इंग्लैंड जो है वन ऑफ द टीम्स व्हिच दे रिवॉर्ड द प्लेस ऑफ पीपल हु वर देयर बिफोर, द डॉम बेस्ट वाज द फर्स्ट स्पिन बॉलर,
when he got injured, then Jack Leach came back. So I think keeping that in mind, Dom Best ka khelna theek tha. Again, hindsight mein aap keh sakte ho ki Moin Ali ne 2014 mein ek kiya tha aur 18 mein ek kiya tha. I've also mentioned that match. But I'm not too surprised ki wo nahi hai. Again, England may name a new squad for the next test match in the days coming. So we might see Moin Ali come back. Who knows? And दो चीज जैसे जेमी जैसे आपने पहले कहा ना साउथैम्पटन का इंडिया टेस्ट मैच याद आ रहा था वहां पर उन्होंने यू नो परफॉर्म किया. दूसरा आप देख लें ये दोनों टीमें जब वेस्ट इंडीज गई थी मोइन अली वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर. यू नो सबसे आगे कीमा रोच थे, मोइन अली सेकंड नंबर पे थे विकेटों के हिसाब से. तीसरी चीज जो इंग्लैंड को फायदा होता है अगर मोइन अली खेलते हैं, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच इतना बड़ा फर्क कर रहा है. अब आप देख लें कि बेस्ट की जगह अगर मोइन अली हो, आई डोंट नो बिटवीन देम बॉलिंग में कितना फर्क है, पर बैटिंग में तो बहुत फर्क है. सो यू नो इफ यू वर टू डू एप्पल्स एंड एप्पल्स का कंपैरिजन करें तो मतलब बहुत एडवांटेजेस हैं टू गो विद हिम. बट आई गेस अब यू नो हम ये सब आसानी से कह रहे हैं, बट अगर शायद हम इस टेस्ट मैच से पहले भी बात करते तो देयर वाज अ केस फॉर मोइन अली और शायद प्रो आर्गुमेंट तब भी. या बट आई गेस द सिलेक्शन इश्यूज विल ऑलवेज रिमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच टीम यू आर टॉकिंग अबाउट. सम विल रिमेन होने भी चाहिए ना. अगर अगर इट्स अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, एब्सोल्युटली इट इज स्पेक्युलेटिव. शाम को बैठ के क्या करेंगे बात सर? शाम को सब चीज अगर लोगों के मन पसंद से हो जाए, एवरीवन एग्रीज, then what will you and I talk and debate? No, but my next question is honestly going to be, and my guess is everyone is going to be on the same page. If we're going to talk about the captaincy of someone like a Jason Holder, chahe leading from the front hook, jis tarike se unne gendbazi kari pehli innings mein, yaar ballebazi bhi chhoti thodi bahut unne dikhai at the bottom of course jo niche aate hain khelne ke liye, and then of course also using his team and his bowlers the way he did. Nikhil, what do you make of Holder's captaincy? नहीं, मैं तो उनसे हमेशा से इम्प्रेस रहा हूँ उनकी कैप्टनसी को लेकर. तो हमेशा से हाँ, ओनली थिंग आई विल फॉल्ट हिम हियर बिकॉज यू नो एक चीज ये है कि अगर हम उनकी कैप्टनसी देखें, वो हमेशा से बहुत शार्प कैप्टन रहे हैं, ठीक है. और जब वो आए भी थे कैप्टनसी करने के लिए, आई डोंट थिंक ही वाज द इजीली एक्सेप्टेड चॉइस जब उनको कैप्टनसी दी गई. बट टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर्स, सम ऑफ देम मोर सीनियर देन हिम, यू नो मोर प्रोलिफिक देन हिम, दैट मींस का एक कमांड करते हैं रिस्पेक्ट. फिर दूसरी चीज ये है, हमने बड़े बड़े प्लेयरों को देखा है विद कैप्टनसी उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस डिप हो जाती है, उन्होंने वो नहीं होने दी. एंड डिस्पाइट द फैक्ट ही इज एन ऑलराउंडर, इमेजिन कैप्टनसी बैटिंग बोलिंग, मतलब ऑलराउंडर वैसे ही स्ट्रगल करते हैं टू मैनेज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ गेम. ये ना सिर्फ दोनों एस्पेक्ट मैनेज कर रहे थे बट कप्तानी भी उसको अच्छी तरह से मैनेज कर रहे थे. तो एक तो वो मतलब चीज साफ तौर पर झलकती है. एक ही क्रिटिसिज्म इस टेस्ट मैच में जो लगता है उनकी कैप्टनसी को लेके, फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से आउट हुए, आई थिंक दैट वाज अ बिट इररिस्पॉन्सिबल. आप उनसे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट करते, वहां उन्होंने गड़बड़ कर दी, लेकिन दूसरी पारी में यू नो ही मेड अमेंड्स. तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार गलती करते हैं आप रिपीट नहीं करते, दूसरी पारी में उन्होंने उसके काम किया. अगर आप उनकी कैप्टनसी के बारे में बात करें, उनकी बॉलिंग से पता चल जाता है वो बहुत शार्प क्रिकेटर है. यू नो वो बॉलिंग में उनमें पेस नहीं है बट वो समझते हैं हाउ टू वर्क अ बैट्समैन आउट. आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इस टेस्ट मैच में, जस्ट टू लेट यू नो अबाउट हिज कैप्टनसी. आप देखें बेन स्टोक्स को उन्होंने कैसे वर्कआउट करा. बेन स्टोक्स इज द नंबर वन प्लेयर इन ऑफ द इंग्लैंड टीम, उनके कैप्टन है. बड़ी टीम हमेशा ये सोचती है अगर आप कैप्टन को टारगेट करो, उसको आप ट्रैप करो, तो पूरी टीम को कमजोर कर दोगे. एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट की कैप्टन वर्सेस कैप्टन. बेन स्टोक्स क्या करके आए थे, उन्होंने भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी करी थी कि भाई द वन वे टू हैंडल दीज गाइज इज डांस डाउन द विकेट. वो लगातार कर रहे थे डांस डाउन द विकेट टू नेगेटिव स्विंग और ये वो खेल रहे थे. आप देखें होल्डर की समझदारी, उन्होंने पहले दूसरे बोलर से लाया, जब फिर खुद गेंदबाजी अपने हाथ में ली और वो समझ गया कैसे करते, दो उन्होंने गलीज रखी उनके लिए, यू नो हर चीज उनको. और एग्जैक्टली उस तरह से उनको आउट भी किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर वो इस तरह से बैटिंग करेंगे यहीं पे कैच जाएगा, आउट करेंगे. तो इट वॉज fantastic plan. एक तो plan उन्होंने बनाया और execute as a bowler भी किया. So just tells you he's a very very sharp cricketer, very underrated as a captain. But मुझे लगता है उनका mind is always ticking as a captain. Jamie, the other captain, Ben Stokes, stepping in for his first game, and I know it's only one game, and possibly now Joe Root is coming back, so अभी वो कप्तानी नहीं करेंगे. So possibly the sample size is way too small. But जो इन चार दिन में आपने इनको देखा, जिस प्रकार से उनने टीम को चलाया, and his own individual performances, because that is always वो भी आंखा जाता है जब आप कप्तान होते हैं. बिल्कुल. So what did you make of him in these 4 days? देखिए, overall Ben Stokes ने ठीक किया था. देखिए, with the ball he was fantastic. लेकिन उन्होंने जो दो no ball डाली है एक दिन में, that is something you do not expect from any player, let alone your captain.
तो वहां जो है आई थिंक काफी हम जानते हैं कितना जिंगुइस्टिक है, वो ब्रिटिश मीडिया है, काफी चर्चा होगा बेन स्टोक्स की उन दो नो बॉल्स पे. बट लुक ओवरऑल एग्जैक्टली एज निकल सेड ही डिडंट फेयर बैडली, ही गॉट द स्टार्ट पर दोनों बार वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी जंपिंग आउट यू नो मूविंग हिज क्रीज दैट इन द एंड वर्क्ड अगेंस्ट हिम बिकॉज ही वाज फाउंड आउट बाय जेसन होल्डर. बाकी अगर हमारे पास इसका जवाब नहीं, अगर बेन स्टोक्स वाज द वन हु टुक द फाइनल कॉल इन सिलेक्शन तो फिर अगेन लोग उस पे भी चर्चा करेंगे. But overall, given the fact that Ben Stokes ने अपने teenage years से कभी किसी team को किसी भी format में ढंग से lead भी नहीं किया था, as one of the British journalists tweeted, it was some Durham second 11 he captained. उसके साथ देखा जाए तो there really was no sample size, Arjun, as you said. तो how do you judge a guy जिसको मालूम था कि यार मुझे एक ही test मिल रहा है? शायद वो इतने aggressive batsman नहीं थे जितना वो चाहते थे. But again, full credit to Jason Holder. If you were to give them each 10, I would probably give Holder 9 out of 10 and I'd give Stokes about a 7 out of 10. Okay. Nikhil, just talk. सवाल दीजिए. क्या बात है? So, एक सवाल है, ये भी बिली का ही सवाल है. दो सवाल है वैसे. तो पहला सवाल है बिली का, वो पूछ रहे हैं Why didn't Stokes bowl himself more, especially during the Chase and Blackwood partnership? इसका जवाब मैं फटाफट दे देता हूँ. बिली, मुझे लगता है एक रीजन ही, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि डिडंट बोल हिमसेल्फ, डबल फिगर्स में 10 ओवर उन्होंने डाले. अगर आप देखें बेस ने भी लगभग उतने डाले, 12 ओवर वुड ने भी डाले, तो उतना कम नहीं है. सिर्फ दो बॉलर्स जिन्होंने ज्यादा डाले वो एंडरसन एंड आपके जोफ्रा आर्चर है. एंड आई थिंक दैट्स ओनली लॉजिकल भाई, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग ऑर्डर बोलिंग में स्टोक्स इज नॉट अहेड ऑफ अ जोफ्रा आर्चर या फिर जेम्स एंडरसन. रेपुटेशन में तो क्लियरली उन्होंने वही चीज को फॉलो किया. यू नो ही इज द ऑलराउंडर इन द टीम, ही इज नॉट योर लीड बॉलर. तो जो लीड बॉलर है उन्होंने ज्यादा किया और उन्होंने लगभग बाकी तीनों ने लगभग सेम ही किया है. तो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ एन इशू. वो तो अब इंग्लैंड हार गया तो हम ये सवाल उठाएंगे. तो आई थिंक दिस इज इनफ. अनलेस यू गाइस हैव अ डिफरेंट ओपिनियन तो आप ये जवाब दे सकते हैं. उसके अलावा अब्दुल का एक सवाल है, मे बी दिस वन ऑफ यू कैन आंसर. ही सेज Is it safe to say that West Indies has become has come through transition and has become a more stable side now? Abdul, my brother, because it's like you know you're in my head because मैं यही सवाल यहाँ पे पोस्ट करने वाले था हमारे दो दोस्तों को. Because sir, ये देखो ये जो टीम है, ये सवाल बड़ा जायज सवाल है क्योंकि ये जो टीम है ये एक साथ काफी टाइम से रही है. ठीक है जी, एक साथ काफी टाइम से रही है and they've seen quite a few highs and lows, you know, and It's a valid question that once you've been together and you've seen so many highs and lows, possibly this is the time when you're breaking out and when you're actually coming out of that shell of yours. And it eventually happens in sport. Aap kab dekhte hain when people don't expect you to do something, right? You get a few of those victories and then the tide starts turning. I mean, for world cricket, we would hope that it happens, right? Yeah. Agar hum West Indies ki baat kare to aksar jab bhi wo, I'm talking about 20 साल तो कहीं नहीं गया, यू नो निखिल, जब भी वेस्ट इंडीज कोई टेस्ट मैच जीत जाती तो बस विंडीज आ गए वापस, चलो गुड टाइम. होता क्या है, वी सीन इज वेरी रेयर. आई थिंक अगर बात करें, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द सिलेक्टर्स फॉर मोटा मोटा पिछले 2.5 साल से वही प्लेयर्स को वो चांस दे रहे हैं. आई थिंक इसका फल जो है हमें अब दिख रहा है. दे आर गिविंग गाइज लाइक शमार ब्रुक्स, who at first instance you think yaar ye test cricket khel sakta hai, but you know he does the job. They're backing, they're not chopping and changing because jo hai player jo hai kahin na kahin se acche player aa rahe hain. I'm sure isme Jason Holder ka haath hoga. Again, fantastic that they're 1-0 up, but all too often we've seen West Indies side come apart in 3 and 4 test series. But hopefully as in 2019 inke paas jo 1-0 ka advantage hai wo 2-0 ho jaye again for World cricket. It's been said countless times that world cricket ki safalta ke liye ek successful West Indies team bahut zaruri hai, because I don't know anyone who really does not like watching any kind of West Indian team down the years. But you know, Nikhil, just taking that point ahead, what Jamie said, that credit must be given to the selectors. A, that aapke, of course, aapne us bunch ko ek saath rakha, and ek aise bunch ko ek saath rakha jahan sir aapne kafi haar zyada dekhi hai, jeet kam dekhi hai. तो अक्सर होता है क्या है कि आप अगर हार ज्यादा कर रहे हो तो यू लाइक टिंकरिंग एंड यू लाइक चॉपिंग एंड चेंजिंग एंड स्पेशली फ्रॉम अ वेस्ट इंडीज वेयर देयर व्हाइट बॉल क्रिकेट इज सो डिफरेंट इन अप्रोच टू रेड बॉल क्रिकेट दे फाउंड अ ग्रुप नाउ दैट कैन प्ले द रेड बॉल क्रिकेट गेम द वे इट शुड बी प्लेड. बिल्कुल. एंड एक चीज आप देखें ट्रेंड, जैसे आप बता रहे हो व्हाइट बॉल टीम उनकी बिल्कुल अलग है, उनका सक्सेस
लेवल भी वहां पर बहुत ज्यादा है, कुछ प्लेयर्स हैं विच ओवरलैप, लेकिन यू नो ज्यादातर आपको अलग है. एंड आई थिंक कहां कई बार आई डोंट नो इफ यू अग्री, बट कई बार क्या होता है जब आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं ना, दैट्स वेयर यू स्टार्ट स्टम्बलिंग ऑन. जब यहां पर आई थिंक वेस्ट इंडीज इज स्ट्रगलिंग विद टैलेंट कमिंग थ्रू, तो जब आपके पास लिमिटेड टैलेंट है, लिमिटेड टैलेंट हु इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, बहुत ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के, वो आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, दे मेक देमसेल्व्स अनअवेलेबल. तो जब आपके पास इतनी चॉइस ही नहीं है, सो यू हैड नो ऑप्शन बट टू स्टिक विद अ फ्यू प्लेयर्स जो डोमेस्टिकली अच्छा कर रहे हैं, तो यू स्टक विद देम. एंड आई थिंक उसका एक एडवांटेज, फायदा भी मिला कि आप धीरे धीरे यू नो विद एक्सपोजर, मतलब फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थे लगातार. आप कुछ उनकी पिछली सीरीज देखें, चाहे इंडिया के साथ खेले हो, इंग्लैंड जब गई थी तब फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस हमेशा थे. अब टाइम मिल रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है उनमें यू नो टू परफॉर्म एट दैट लेवल. गलतियों से भी आदमी सीखता है लाइक एनी अदर टीम. सो इन दैट सेंस थोड़ा सा इट हैज वर्कड आउट कि हाँ, व्हाइट बॉल में जो इंटरेस्टेड थे दे मूव्ड अवे, एंड रेड बॉल स्पेशलिस्ट को चांस मिला, यू स्टक विद देम एंड एंड द रिजल्ट्स आर देयर फॉर यू. Guys, of course, post-match comments are coming in right now. Haan ji, Jimmy, you want to say something? Then I'll get into it. I'm saying just on this topic, agar hum wo 2-1 West Indies ki jeet ke pehle dekhe, wo Bangladesh gayi thi, wo 3 din ke andar dono test match haar chuki thi. India gayi, 3 din ke andar do test haar chuki thi. India jab gaya tha, aap hi wahan the, Arjun, to wahan pe they also lost both test matches inside 3 days. So again, as you said, the lows have been too common. So I would not say we should get too carried away, but hopefully is jeet se, ye bahut hi badi jeet hai, hopefully, and I say hope, you know, I really mean it, West Indies can use this to again close out England, a fairly average England side at Old Trafford. Guys, of course, post-match captain's comments are coming up, and understandably, Ben Stokes ko Stuart Broad ke call ke baare mein poocha gaya hai, and his exact words are this: if I was to regret that, I don't think it sends the right message to the other guys. Very fortunate to leave a guy out of Stewart's quality. And the interview he gave, the interview we've spoken about, he gave was fantastic to show that desire and emotion. It's fantastic to see. He's by nowhere near done. So, ye yahan pe of course Ben Stokes ji ka unko main pucha gaya Stewart Broad ke baare mein. नहीं, पर ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइन ही बोला है उन्होंने, यू नो आई थिंक एनी कैप्टन वुड हैव कमेंट सेड. द ओनली थिंग जो अच्छा लगा है, स्टोक्स ने यहाँ कहा है कि ही इज प्रेज्ड हिम फॉर दैट इंटरव्यू आल्सो, कि या एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट. वो एक चीज है, बट आई गेस अगेन यू नो अगर आप एंड आई डोंट नो इफ वी अग्री और डिसएग्री ऑन दिस, बट इफ आई वाज टू पुट माई सेल्फ इन हिज शूज, और मगर मैं कप्तान होता और ड्रॉप किया होता, तो शायद मैं भी आके अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं उसके पॉजिटिव्स ही देखता. तो यू नो आप यही कहेंगे कि नहीं देखें, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, ही इज नॉट डन, बहुत अभी भी मुझे लगता है इनमें क्रिकेट बाकी है. दूसरा ये लगता है कि इन्होंने ये सब चीजें बोली तो दर्शाता है कि अभी भी भूख है इनमें मौजूद, कुछ इसी तरह की चीजें वो कह रहे हैं थोड़ा सा. ये तो हमने बहुत सुनी हुई है ये सब चीजें माइक के इस तरफ सवाल पूछ के, तो वैसा ही है. बट क्योंकि उनका कहना, और फिर उसके बाद जिमी एंडरसन जो बहुत क्लोज है स्टुअर्ट ब्रॉड के, जैसे हमने कहा यू नो द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, वो भी आके वही चीज को रिइटरेट करते हैं, तो क्लियरली द टीम वॉज नॉट इन अग्रीमेंट. और ये सिर्फ आप पर हम नहीं, अगर आपने कॉमेंटेटर्स को भी सुना हो, जब आथिटन एंड नासिर हुसैन जब कॉमेंट्री कर रहे थे आज, वो भी इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा इस मैच के बाद में, इस डिसीजन को कैसे लिया जाएगा, इस पर जरूर चर्चा अब टीम को करनी होगी. और जब हार जाएगी तब तो मीडिया, जैसे आपको पता है इंग्लैंड की मीडिया प्यार भी बहुत करती है अपनी टीम को, लेकिन फिर उसकी तरह जो पिटाई भी बड़ी होती है, तो जब वो चीजें होंगी तो सवाल उठेंगे. बट अगेन गोइंग बैक टू दैट, आई थिंक एक थोड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ही कैप्टनसी चेंज होगी ना, तो थोड़ा प्रेशर ऑफ हो जाएगा स्टोक्स से. अगर वही कैप्टन होते अब, देन आप दोनों तरफ, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं होता. अगर स्टुअर्ट ब्रॉड को लेके आते तो बोलते देखा गलती करी थी, अभी इज रियलाइज तो ये लेके आए हैं. नहीं लाते तो कहते देखा ईगो है, अभी वॉन्ट्स टू प्रूव अ पॉइंट कि ये नहीं किया. तो बहुत ही एक टफ पोजिशन होती है फॉर अ कैप्टन. तो एक तरह से अच्छा है, जरूर आएंगे, अब जो भी डिसाइड करेंगे इट्स अप टू हिम. Now, for of course, all the people who joined us on Facebook, आपको बता दें कि हम लोग इतने जोर शोर से हर दिन एनालिसिस इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का क्यों कर रहे थे. भाई इंडिया तो खेल ही नहीं रहा था, नया आईपीएल चल रहा था, पर हमने इसलिए करी थी एनालिसिस, एंड द रीजन वाज बिकॉज लाइव क्रिकेट हैड गॉन मिसिंग फॉर 117 डेज. सो 117 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आपके टीवी स्क्रीन पे आया है. तो उसी के बारे में जेमी, बेन स्टोक्स से सवाल पूछा गया, एंड ही सेड, एंड सो यू कैन देन of course react to it. He's saying, I think it's great we've been able to get back and play international cricket. It was a bit strange. We're used to playing in front of a lot more people. From the point of getting cricket back on the screens for people, it's been amazing. That's what Ben Stokes is saying.
from being in the field. Now, for someone who's been watching the game on the TV screens, what was the experience like for you? जैसे कि हम पहले इस शो पे चर्चा कर चुके हैं, जस्ट द फैक्ट कि हम लाइव कोई टेस्ट क्रिकेट, खास करके टेस्ट क्रिकेट देख पाए इतने दिनों, 117 दिन बाद, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। कहीं ना कहीं डे वन पे, क्योंकि वैसे थोड़ी डैम्प स्टार्ट था लिटरली टू दैट टेस्ट मैच, कुछ कितने 16-17 ओवर्स ऑन डे वन, एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं वो देखे, हमने कहा यार ये क्या है, बट यू नो ओवरऑल जस्ट अ गेम दैट एब्ड एंड फ्लोड, एज निखिल सेड, काफी हाई क्वालिटी बॉलिंग मिली, spurts of high quality batting on that variable bounce, but overall as a contest, forget the fact that there were no people there, I really could not have thought of a better way for test cricket to come back. And kind of kind by the third day, you were not even looking, you were looking to see ki yaar wo hand sanitizer kahan pe hai, what's the reaction after a wicket, to kind of ye sab peripheral pe aa gayi. A fantastic match, and I want to stress I hope ki West Indies is jeet ko leke 2-0 up ja sakti hai Manchester mein. It'll be great for world cricket. But you know, on this new normal that we're talking about, Nikhil, and this new normal jo hum keh rahe hain ki kafi samay tak rahega, at least till the end of the year, to isme mere ko abhi bhi lag raha hai it's a bit of a work in progress. And hai to honestly first match hi, work in progress kaise lag raha hai ki aap wicket le rahe ho, kuch kuch aapke of course khiladi aa rahe hain elbow se aapke sath aapka samarthak karne ke liye, lekin still there are some people who are doing high fives. I don't get it. I mean, what is this thing? I know you're sending out a message, the entire world is watching you, and thus you're saying you don't do high fives and you do all of this. But if all of you are in a biosecure environment, if all of you are tested, if all of you have come through as negative, which is why you're there, to chodo na ye sab notanki yaar and just be normal and do it. I think so. See, I guess players bhi confused hain. Agar aap football bhi dekhen, I am taking an example of football. शुरू में जो बुंडेसलीगा हुआ था ना, प्लेयर्स थोड़े से केयरफुल थे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे. अब लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा हाल हो गया है कि नाउ इट लुक्स जस्ट एज इट वॉज पहले. सिर्फ क्राउड नहीं है बट सेलिब्रेशन वैसे ही है, यू आर हगिंग ईच अदर, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम मिला है, खेलते रहे तो ओनली चेंजेस आ गया. आई थिंक ये पहला टेस्ट मैच है, आपके आपको एक इंस्ट्रक्शन मिली है ना, आपको फॉलो करने हैं कुछ सर्टन रूल्स, तो आपको बोला गया ये कर सकते हो, ये नहीं करना, ये कर, तो अब आप समझ नहीं रहे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर या आप वो चीज फॉलो करो. धीरे धीरे यू विल सेटल इन और प्लेयर्स भी ये करने लगे कि आप यार जैसे हूं मैं वैसा ही सेलिब्रेट करूंगा, मतलब. बट ये कंफ्यूजन, जस्ट टू ड्रॉ एन एनालॉजी, ये कंफ्यूजन सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, द वर्ल्ड इज कंफ्यूज राइट नाउ. इस वक्त ये ऐसी चीज है, किसी दिन एक मास्क ठीक होता है, अगले दिन वो नहीं होता है, किसी दिन वो चीज एयरबॉर्न होती है, अगले दिन नहीं होती, हमें खुद ही नहीं पता, रोज चीजें चेंज होती हैं. सो आई गेस जस्ट एज वी आर इवॉल्विंग एज अ सोसाइटी, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो नई चीज है या एक जो नया वायरस है उसे कैसे डील करना है, आई गेस स्पोर्ट विल ऑल्सो टेक टाइम, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हो एल्बो से करें या हाथ से करें, क्रिकेट चले, बैट एंड बॉल का कॉन्टेस्ट हो, ऐसा टेस्ट मैच हो, व्हाट एल्स डज यू नो वन वांट. Guys, Jason Holder's post-match comments have also come in. First and foremost, he's saying right up there with one of the best victories we've had as a group. Yesterday, as in day four, was a hard, long toil, and the bowlers keep coming back, gave everything, and it was a hard-fought day of test cricket. I don't think any team knew how it would play. Been sat at home doing nothing, just got the opportunity to play, but mentally at the back of your mind, you're never quite sure. So it's the willpower that's got us through. We know what was at stake. We had 98 overs to bowl, and we were leggy come 7 p.m. So myself and Alzari Joseph bowled until 6:30, and then the other two come back. So we got the wickets yesterday. It would have made the job a lot easier, but we came back today, and every time I asked my bowlers to come in, they ran in like a house on fire. Happy camper. Bilkul, bilkul happy camper. Or again, you know, agar hum match dekhe to kal final session mein jab 5 wicket gire 30 रन के लिए सेकंड न्यू बॉल से, फुल क्रेडिट टू समवन लाइक अलजारे जोसेफ, जिनके बारे में मैंने खुद कहा था कि ही इज द वीक लिंक डे बिफोर, तो वेरी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग बिकॉज़ ही गॉट टू बिग विकेट, स्पेशली बटलर और फिर शैनन गैब्रियल, नो 9 विकेट ले गए, मैन ऑफ द मैच शैनन गैब्रियल, बिल्कुल 9 विकेट लेना. इवन समवन लाइक कुमार रोच, इनको विकेट नहीं मिला, बट ही वाज नेवर, ही कैन बी अक्यूज्ड फॉर नॉट ट्राइंग, वो जब भी आए तेज थे, एक्यूरेट थे. Overall, look, I agree with Holder. वो और कुछ ज़्यादा नहीं मांग सकते थे अपने अपने fast bowlers से. Fair enough, guys. Do you have anything else to add in terms of the experience? Anything you wanted to point out? Umpiring, or is that it? We've wrapped it up. We finished everything. सब कर लिया. Umpiring को तो हमने काफी बात करी थी कि umpires से काफी गलतियाँ हुई. But I guess that one extra जो आपको मिला review, that has also helped. Yeah. उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उसका भी.
वेस्ट इंडीज ने खास तौर पर आई थिंक बेटर इस्तेमाल किया है. yep. तो, हाँ बाकी सब ठीक है. अच्छा टेस्ट मैच अच्छा हुआ और क्या चाहिए. Fair enough. All in all, it's been a great start to the resumption of international cricket and long may it continue. Nikhil Naz, Jamie Otto, thank you so much for joining us. आपको फिर से एक बारी बता दें 117 दिन बाद जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में खेला गया उस मुकाबले को पांचवें दिन में वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट से अपने नाम किया है और बस 3 मैच की श्रृंखला में 1 मैच की बढ़त ले ली है. Guys, thank you so much for watching. आप देख रहे हैं 575 ounces. Thank you.